इलेक्शन का टाइम है, वोट की सभी को जरूरत है, वो तब भी जिम्मेदार की होश नहीं ले रहे हैं। मैं नहीं जीतता, जीतेगा देख लिए भाई। इस सीट पे सैनी वोटर बहुत ज्यादा है, तो हम सैनी है जी, तो हम भी तो खेती कर रहे हैं जी। जिन लोगों की धान के ऊपर से अब ट्रैक्टर गुजर रहे पड़े हैं, उनके दिलों पे क्या गुजर रहा है? ये धान के ऊपर से ट्रैक्टर नहीं जा रहा, ये उस किसान की छाती के ऊपर से ट्रैक्टर जा रहा। क्या करते हैं सर? मैं किसान हूँ, जीत धान पड़ा मेरा। चुनाव में क्या कर रहे हैं आप लोग? चुनाव में मेरे घर की अपनी 10 वोटा में तो एक नहीं देना का। या जो साझे है नायब सैनी ने बदनाम करने की, ऊटा ने भरी पर सारी नौकरियां, सारे मलाई का तो ये है हरियाणा की एक और हॉट सीट। हॉट इसलिए क्योंकि भाई मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। जो लोग हरियाणा के हैं वो जान गए होंगे, हम बात कर रहे हैं लाडवा विधानसभा की, और ज़िला है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र से पहले सांसद भी रहे हैं नायब सिंह सैनी, और इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर दावा ठोका है। देखते हैं मुख्यमंत्री की सीट पर क्या माहौल है। हम आए हुए लाडवा की मंडी, अनाज मंडी है। चारों तरफ आप देखेंगे तो अनाज बिखरा पड़ा है, धान बिखरा पड़ा है। धान की खरीद का मौसम चल रहा, तो जानते हैं भाई कि तमाम दावे MSP को लेकर खेती किसानी से जुड़े BJP की तरफ से किए जा रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, लाडवा के लोग खासतौर पर क्या सोच रहे हैं? अगर प्रत्याशियों की बात करें तो मेवा सिंह यहां से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, और फिलहाल वो विधायक भी हैं BJP की तरफ। जैसा मैंने बताया नायब सिंह सैनी हैं, और इंडिपेंडेंट सपना बड़सामी लड़ रही हैं, संदीप गर्ग लड़ रहे हैं, विक्रम सिंह चेम्मा लड़ रहे हैं, तमाम प्रत्याशी निर्दलीय भी हैं। बात करते हैं पहले मुद्दों की, खासतौर पर खेती किसानी जुड़े लोगों का। पहले हमारे बुजुर्ग से बात करिएगा, क्या नाम है भाजी आपका? नसीब सिंह। तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। कितनी खेती है अपने पास? 50-60 एकड़ है। 50-60 एकड़। क्या क्या होता है यहाँ पर खास? यहाँ जीरी, गेहूँ, गन्ना। धान को ही आप लोग क्या बोलते हैं? जीरी। हाँ, तो हमको क्या है, हमारे धान ही बोला जाता है, समझ नहीं पाते हैं। हमारे जो कैमरे के पीछे साथी हैं उनका नाम जेरी है, तो हमको लगता है जेरी बोलने लगे। तो क्या आप लोग के मुद्दे हो, चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में ऐसा चल रहा है जी, तीन पार्टी मैदान में है जिनका मुकाबला है। अच्छा, एक तो इंडियन नेशनल लोकदल, सपना चौधरी, दूसरा हमारे जो CM नायब सिंह सैनी, तीसरा मेवा सिंह कांग्रेस। आपका इन तीनों के बीच मुकाबला है? हाँ जी। चुनाव की बात अभी करेंगे बाबूजी, पहले थोड़ा हमको अपने इसके बारे में, मंडी के बारे में बताइए कि मंडी में क्या चल रहा है, ये जो धान बिक रहा है किस भाव बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, MSP क्या रेट है, कितने के बिक रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए जरा। मंडी इसका धान का रेट है ₹2300। ₹2300 और ₹2320। ₹2320 दो रेट है। अच्छा, दो रेट है ये, मतलब एक ग्रेड है जो उसका रेट है ₹2320। अच्छा, दूसरी का भी ग्रेड है उसका ₹2300। मतलब जो अच्छी क्वालिटी का होता है ₹20 ज्यादा। ग्रेड दो बना रखे हैं, दो ग्रेड, बारीक और मोटी दो। अच्छा, सुपर फाइन में एक कोमल में। तो कितना आ जाता है, कितना अनाज आ जाता होगा यहाँ? तो एग्जैक्ट तो मेरे ख्याल पता नहीं, सब बिक जाता है, सब सरकार सब खरीद लेती है? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीद रही। कितना खरीद लेती लगभग? आपने कितना लेके आए यहाँ पे? यहाँ फिलहाल तो कुछ नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं खरीदा। अभी 5-4 दिन से गवर्नमेंट आई और वो 2-4 डेयरी मंडी से खरीदती है। सरकार तमाम यहाँ हरियाणा में दावे करती है ना BJP की, 17 मोसर की जीरी जो गीला है, मोसर बोलते हैं उसको, 17 मोसर की डेयरी खरीदती है जीरी। 17 मोसर की जीरी मंडी में बहुत कम है, कुछ परसेंट है। 17 मोसर के क्या मतलब हुआ, इसका समझ नहीं पाया। गील जो है नहीं, नमी। अच्छा, नमी जो है 17 मोसर की है। 17 मोसर आज मैक्सिमम 17 मोसर की होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं लेती उसको। अच्छा, वो मोस्चर चेक करके लेके जाते हैं। अच्छा, ये सुखाई पे डाली हुआ है। अच्छा, धूप में से डाला हुआ है? हां, सुखाई पे डाला हुआ है इसको। सुखाई की जगह नहीं है मंडी में, फिर भी मंडी में सुखाने के लिए जगह ही नहीं है। क्या नाम है आपका? सतबीर। और गन्ना है। कितना हुआ? 9 एकड़ मतलब है धान है, पर बिक तो रही यहाँ पे एक डेरी भी नहीं बिक रहा, कोई लेन रहा। क्या सिस्टम क्या रहता है, मतलब क्यों नहीं बिक रहा है? सरकारी ले रही है, अब यहाँ से जब इनको ऑर्डर देगी तभी तो लेगी ना।
सरकार का कुछ सेलर वालों के साथ इशू चल रहा है क्या? पता नहीं हमें तो उनके साथ क्या इशू है इनका। वैसे गवर्नमेंट माल परचेज करती है, वो माल जाता है सेलर में, पर अब के बार सेलर वालों के हड़ताल पे है, पता नहीं क्या उनका इशू है। उन्होंने कोई माल नहीं उठाया यहाँ से, गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे रेट लगा दिया, पर उसके बाद उन्होंने कोई उठान नहीं है, कोई लिफ्टिंग नहीं है यहाँ पे। हमने मैं अड़ती हूँ यहाँ पे मंडी में, मैंने इनके पास फोन किया, अभी आपने माल लिया हुआ है उसकी कैसे लिफ्टिंग होगी? उन्होंने बोला हमारे पास परचेज की ऑर्डर है, लिफ्टिंग का हमें नहीं पता, कौन उठाएगा? तो हमने 5 दिन से माल जो हमने खरीदा था सरकार ने, हमारे पास ऐसे पड़ा है, उसकी शॉर्टेज भी होगी, उसमें कोई डैमेज भी होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने हमारे ऊपर डाल रखी है। अच्छा, तो वो नहीं उठाएंगे। आप पता नहीं नायब सैनी जी, हमारे सरकार ने खरीदा है कि नहीं खरीदा? खरीदा है, 17 मोस्चर पे खरीदा, पर उठाया नहीं है 5 दिन से हमारे पास। मालिक ही नहीं है कोई, वो उठाते ही नहीं है। हमने फोन किया, उन पर बात नहीं करते वो सही तरीके से। खरीदती है जिम्मेदार कोई ऐसा तो नहीं है अभी वहाँ ड्रायर लग रहे हैं इनके पास, वो जैसी खेत में पैदा होती है वैसी काट के ले आता है, तो कोई क्राइटेरिया तो ऐसा है नहीं, कोई मशीन नहीं है अभी वहाँ से मोक्स से चेक करके लिया हुआ है, क्योंकि गिरी या बारिश में गिर गई फसल। अब एक एकड़ से कैसे फार्मर को पता चलेगा इसका 17 मोस्चर हो गया? वो तो कटने के बाद या लेने के बाद ही पता चलेगा। गवर्नमेंट भी तो मोस्चर मीटर लगाने के बाद ही बताती है इसमें 15 है, इसमें 17 है। फार्मर के पास क्या चीज़ है जिससे उसका मोस्चर चेक करेगा फील्ड के अंदर? तो ये बड़ी समस्या है सरकार की, पर सरकार सुनती नहीं है। सरकार जैसे कहती है कि भाई खेती किसानी से जुड़े हमने तमाम फैसले किए हैं, कहते 24 फसलों पर खरीद भी हुई ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी क्यों हो रही है? इलेक्शन का टाइम है, जो भी उठान कुछ नहीं हो रहा, जब तक ये उठ के जाएगी नहीं किसी पेमेंट नहीं आएगी। अच्छा, सरकार तो कहते नहीं, ये दिन आप ट्रॉली लेके आगे 72 घंटे पेमेंट आया, जब तक ये माल यहाँ आगे चाहे 10 दिन नहीं आई चाहे 2 महीने नहीं आई हो, तब तक किसी पेमेंट ही नहीं आनेगी किसी फार्मर की। फार्मर क्या करेगा? ये भी फॉर्मेलिटी के लिए है, मतलब खरीद सरकार ने कागजों में चला रखी है किस्म से। 17 मोस्चर की तो 10 डेयरी भी नहीं है पूरी मंडी में, फार्मर ने कैसे पता लगेगा भाई 17 मोस्चर का? जोन सी फसलों पे MSP कह रहे ना, वो फसल तो जिम्मेदार कम से कम लगावा। अच्छा। जिन पे हम इसके MSP के रोड़े बैठे, जिस तरह मान ले कई फसलें हैं सरसों के हैं, वो तो कम लगावा। जो उनसी जिम्मेदार ज्यादा लावा उन पर कोई गारंटी नहीं है। पिछले साल के आलू के पैसे अब तक नहीं आए MSP के। अच्छा, जो डिफरेंस था ना, जो 4 रुपए आलू भी कहता गवर्नमेंट करीब 6 रुपए लूंगी मैं, वो 2 रुपए 6 रुपए 90 पैसे आ जाते, वो 2 रुपए 90 पैसे आज तक नहीं आए, 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, एक सरकार ने हमारे नायब सैनी CM ने एक पीछे से अनाउंस किया था 2,000 रुपए पर एकड़ फार्मर को मिलेंगे, हमारा तो एक भी नहीं आया अब तक। अब तो फार्मर का घोषणाएं तो उन्होंने बहुत कर दी, पर हमारे तो कोई पैसा नहीं है। पिछले साल हमारे गांव में इतना पानी था, सांसद थे हमारे नायब सैनी जी CM, तो एक गांव में भी आए, इन्होंने खुद देखा हमारे वहां पे कितना पानी था, पर उसके बाद हम इनके पास भी गए पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई मुआवजा नहीं आया किसी के, पूछा गया किसी का 2,000 है किसी का 4,000, किसी को नहीं मिलता ना। कोई अफसर सुनते हैं, पटवारी पे जाते हैं, कहता है तहसीलदार बताया, तहसीलदार कहता है कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट बताएगा, कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी किसी प्रकार की। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, सिर्फ कागजों में माइक में बोल दिया कि 2,000 आ जाएंगे पर एकड़ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे वो आ जाएंगे, घोषणाएं खूब है, जमीन पे नहीं पहुंच रहा है, यहां तक नहीं कुछ भी है, फील्ड में कुछ नहीं, जमीन पे कुछ नहीं होता सिर्फ। क्या नाम आपका जी? सतपाल जी क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूं जी, किसान हूं जी। अब आप देख लो जी, मतलब इलेक्शन का टाइम है, वोट की सभी को जरूरत है, वो तब भी जिम्मेदार के होश नहीं ले रहे हैं, तब भी सुध नहीं ले रहे हैं। कैसे तय होगा इस बार वोट, फिर क्या करने वाले हैं, क्या माहौल है? वोट तो फिर अपने हिसाब से देंगे, उल्टी पड़ेगी। क्या चर्चा चल रही है? जो मौजूदा सरकार है, मुख्यमंत्री की सीट है ये। हाँ, मुख्यमंत्री की सीट है, जो मौजूदा सरकार है वो होश नहीं ले रही, तो उल्टी जाएगी वोट तो किसी और को ही जाएगी। अच्छा, हाँ मुख्यमंत्री की क्यों जाएगी फिर? बिल्कुल नहीं जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने आप लोगों से कोई वादा नहीं किया कि ठीक कर देंगे सब चीजें? करते हैं, हुआ तो है नहीं, मौके पे तो कुछ नहीं हो रहा, ये देखो रूल है सारी। अब इलेक्शन के टाइम में ही नहीं कोई एक्शन हो रहा है, तो बाद में कैसे होएगा? आप ये देखो ना, वादे तो जितने मर्जी करवा लो, जब इलेक्शन के टाइम में ही गिरी नहीं बिक रही, तो पीछे से क्या लोगे? आप ये देखो ना, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है, इस पे अपनी सीट कोई नहीं है कि मैं आगे लाडो से बढ़ूंगा। इसको पता है मुख्यमंत्री बनेगा? किसी को नहीं पता जी। पहले करनाल चले गया, नारायणगढ़ चले गया, लाडो आ गया, ये मुख्यमंत्री नहीं है, इसकी अपने आप नहीं चलती। इससे पूछा भाई जीरी करना खरीदेंगे 8 तारीख के बाद आएंगे, 8 तारीख के बाद जिसको पता ही नहीं है, वही बात आई कि मैंने तो पता ही नहीं भाई क्या वो काम है जिसका। इसके पास कोई पावर नहीं है तो भी जीरी नहीं बिक रही हमारी, अगर पावर होनी तो जीरी बिक दी। अभी जैसे हम बाहर कुछ लोगों से बात कर रहे थे, बोले कि 56 दिन हुए इनको बने और 126 योजनाओं पर घोषणा कर दी है। फिर यहाँ तक तो कुछ नहीं पहुंच गया, यहाँ तक तो लग गई। अगर खुद CM में इतना दम होता तो CM यहाँ कभी तो इमाम मालिना बुला रहे, कभी किसी का प्रोग्राम करे, कभी यहाँ मिठाया रहा, कभी यहाँ वोट दे रहा। अगर अगर CM के काम करें होंगे तो घर बैठे वोट पड़ दी,
सीएम फिर धक्के खाते हैं। पहले 2021 सुना जी 125 वो नहीं आए, दूसरा आठ ढाई परसेंट थी वो नहीं आए, तीसरा रोजगार की थी वो नहीं आए, तो घोषणा करने में भी कह दूंगा जीरी बिक जाएगी भाई, उससे काम थोड़ी चलेगा जी। जब तक हमारी बिकेगी नहीं तब तक हमारा काम नहीं होगा। घोषणा इधर करता है इलेक्शन का टाइम है, छोटे जिम्मेदार आ गया दो किले से लेकर चार किले तक, फिर छः किले, अब छः किले से ऊपर दी गई बात है, मान लो छह किले तक नीचे नीचे पैसे पूरे नहीं आ रहे हैं। मर चार किले में तीन किले वाले के नहीं आए, ऊपर वाले के नहीं आए, तीन किले वाले खड़े, तीन किले वाले खड़े मारे नहीं आए, क्या नहीं आए पैसे जो 2000 रुपए की बड़ी घोषणा कर रहे हैं 2000 रुपए। हां जी, अरे कड़े दे ये छोटे, वो आए नहीं किसी के भी, किस बात के लिए इन्होंने ये सूखा ग्रसित किया था कि 2000 रुपए पर एकड़ देंगे, हर किसान को मिले, हर किसान को मिलेंगे, छोटे किसान के किसी के आगे किसी के नहीं आए, किसी के 6000 आने थे किसी के 4000 आगे किसी के 2000 आगे, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं है। इस सरकार में भ्रष्टाचार है जी, पोर्ट के थ्रू, पोर्ट के थ्रू भ्रष्टाचार करना है जी। डीसीआर जीरी कार्ड डीसीआर लगी सिर्फ कागज में, जो वर्कर अफसर होते हैं वो खाते हैं, यहाँ दरअसल में कुछ नहीं पहुँचता है, सिर्फ एक मैसेज आता भी हाँ इतने की हमने डीसीआर लगा दी, इतने पैसे हमने बांट दिए, दरअसल में कुछ नहीं है, ना कोई पेंशन है किसी कार्ड दी, बेचारा गरीब आदमी ने जीरी बेच दी उसकी पेंशन कार्ड दी, ठेके वाले क्यों ना करी, उसके फैमिली डी में गबड़ गई, उसकी पेंशन कार्ड दी आठ खबर लगी नहीं, दोबारा इनकम ठीक करवाने जाओ 5000 रुपए वो ले ले, इतने बेचारे साल की उसकी पेंशन आनी, परेशान हो रहा है, कभी तो फैमिली आईड में इनकम बढ़ गई कभी घट गई, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, किसी सीएससी सेंटर पे चले जाओ उनको पता नहीं है अभी ये कैसे ठीक होएगी, हमें किसके पास जाना चाहिए, इनके पास कोई यो नहीं है भी हम कहीं जाके अपनी सॉल्यूशन करा लें इनसे। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़ने चुनाव आ गए, हमने पता किया भाई क्यों आ गए, तो कहा गया कि भाई इस सीट पे सहनी वोटर बहुत ज्यादा है, हैं इसलिए आ गए, आप लोग हम सहनी है जी, तो हम भी तो खेती कर रहे हैं जी, तो हम भी तो खेती कर रहे हैं जी, हम भी किसान हैं, चाहे हम 2 किले किसान हैं चाहे 10 किले किसान हैं, अगर हमारी फसल बिकेगी तभी तो हम आगे कुछ फसल लगाएंगे, जैसे हमारी जीरी नहीं बिक रही थी, इन्हें बोला था शुरू में 23 तारीख को सरकारी खरीद आ जाएगी, तो 23 तारीख को उन्होंने लेटर निकाल दिया, 23 के बाद इन्होंने लेटर निकाला फिर 1 तारीख का, चलो जी फिर किसान यूनियन वाले ने कुछ प्रदर्शन भी किया जो किया, तो फिर इन्होंने 27 तारीख को लेटर निकाल दिया, 27 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी, तो वो 27 भी चलेगी, 1 भी चलेगी, 2 आएगी, आज देख लो जी आपके श्यामणी मंडी में 1 भी डेयरी ने बिक दिया सरकारी रेट पर, और जो एक आधी को सुखी डेयरी आएगी सरकारी पे नहीं बिकते तो क्या करते हैं आप लोग, हम क्या करते जी, आप पड़ी जी डेयरियाँ जो ट्रैक्टर खड़े हैं सारे देख लो जी, एक मंडी तो उधर हम देख के आए, इधर है पूरा ये 2 कैंपस एक तरीके से, एक ही है ये, अच्छा पूरा ये पहले पुरानी मंडी है और अभी इसका एक्सटेंशन किया गया था 1993 में। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। आपका क्या नाम है? जयदयाल जी। क्या चल रहा है चुनाव में लाडवा? आप लोगों की बड़ी चर्चित सीट हो गई, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल दोनों की टक्कर है, वैसे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से जीत जाएंगे। टक्कर है, किसी किसकी टक्कर है? मेवा सिंह कांग्रेस से है। जो विधायक है आप लोग? जी। कैसा काम रहा विधायक जी का? विधायक जी का काम जीरो है, जीरो क्योंकि है? वो रूलिंग पार्टी से थे, उनके पास था तो कुछ है नहीं, विपक्ष पार्टी रूलिंग पार्टी का, रूलिंग से और रूलिंग से तो अपने ये थे, विपक्षी पार्टी से थे वो, तो उनके पास कुछ था नहीं। अच्छा, पर बाकी उनका कोई काम ऐसा था भी नहीं। नायब सिंह सैनी कैसे? ये तो सांसद थे और करनाल से विधायक से लाडवा आ गए, क्यों आए लाडवा? देखो ये तो सरकार का काम है जी, बीजेपी ने ऊपर से भेजा इनको, लाडवा पहले था ही ये। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? हाँ वैसे अच्छा आदमी है ये, शांत स्वभाव का, अच्छा सीएम है, अच्छा सीएम। क्या नाम भाऊ जी आपका? मेरा नाम रामपाल है भाई। क्या करते हैं आप? रामपाल मेरी मंडी मार्ट की दुकान है। मैं कह रहा था भाई सीएम अच्छा है, इसको पहले मौका मिलना चाहिए था, मौका ही कुछ दिन पहले मिला इसको, देर कर दी। हाँ जल्दी मौका देना चाहिए था। जल्दी मौका देना चाहिए था, अगर ये 1-2 साल पहले सीएम बन दे ना तो लोगों की नज़रों में अच्छी होने दे। अच्छा रहे, बहुत अच्छी होती। खट्टर कैसे थे, मनोहर लाल खट्टर? बस मनोहर लाल खट्टर तो ईमानदार भी थे, सारा कुछ था, लेकिन उनकी जगह अगर ये होते तो कुछ और बात थी। क्या नाम भाऊ जी आपका? सुरेश कुमार। बारीक धान जो है उसको कंपनी वाले लेके जाते हैं, वो भी हमें कमीशन देते हैं। मतलब जो किसान आता है लेकर अपना फसल लेके आता है वो आप लोगों के पास आता है, सरकार में दो
प्रतिशत कमीशन देती है इसमें। और ये जो ये हैं प्राइवेट खरीदते हैं बारीक धान, उस पे ही हमें 2.5% देते हैं। अच्छा, सरकार द्वारा भी 2.5% दी गई थी, लेकिन उन्होंने 2.5 दी नहीं, हमें 2 ही कई मैसेज आया। क्या चुनाव में क्या चल रहा है, इस बार मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा जी, देखो किसान परेशान है, मंडियों में इतना धान पड़ा है कि सरकार सेलर मालिकों के साथ बातचीत नहीं कर रही है। कोई मुद्दा कई दिन से हल नहीं हो रहा है, और जब तक ये मुद्दा हल नहीं होगा, अब आप देख रहे हो चारों तरफ दान ही दान पड़ा है, अगर खुले आसमान के नीचे पड़ा है, बरसात भी आ सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक, तब तक कोई बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं बनेगी। सरकार को चाहिए कि वो सेलर मालिकों के साथ बातचीत करे, ज़्यादा नहीं थोड़ी उनकी मांग माने, ठीक है, और मांग मान के इसको सुचारू रूप से काम को चलता करे। जैसे ही काम चलेगा, किसान भी अपनी फसल बेच करके अपने घर जाएगा। अब सरकार के कुछ आदमी आते हैं, ये DFSC एफर्ड के इंस्पेक्टर वगैरह, ये नमी की मात्रा किसी में ज़्यादा बताते हैं, किसी में कम। और जैसे 17 मुख्सर का भी धान मंडी में बहुत आया, उसको बर्फ भी दिया, लेकिन उसको उठवाने वाला कोई भी नहीं है मंडी में। ये एक मुद्दा है यहाँ, ये भी एक मुद्दा है कि उसको चुनाव का इसका असर पड़ रहा है, पूरा पूरा असर है। हर किसान निराश बैठा है सरकार से, अगर सरकार चाहती है तो 2 दिन में उसको मना ले, आज का और कल का 2 दिन है उसके बाद, वरना परसों तो भगवान जाने क्या होगा चुनाव वाले दिन, क्यों उसको तो मैं ऐसे लग रहा है जो मुख्यमंत्री आपके यहाँ प्रत्याशी नायब सिंह सैनी, बात सुनो, प्रत्याशी कोई भी हो, किसानों को तो अपने माल से मतलब है, जिसको दिल करेगा वो वहीं पे वोट देगा, ये तो है, ठीक है। माहौल क्या दिख रहा है आप लोगों को क्षेत्र में, लाडवा में क्या लग रहा है इस बार, मुख्यमंत्री जीतेंगे हारेंगे, फंस रहा है मामला, जो कांग्रेस वाले हैं वो कैसा लड़ रहे हैं? कांटेदार टक्कर है, टक्कर है, पूरी कांटेदार टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी की, और भी कोई नहीं? नहीं, और कोई आसपास नहीं है, इनेलो वाली कोई आसपास नहीं है जी, कोई नहीं, हाँ यही दोनों की टक्कर है, और पूरा पूरा पेंच फंसा, कोई भी दावा नहीं कर सकता कि नायब सैनी जीतेगा या मेवा सिंह जीतेगा। मंडी में क्या माहौल दिख रहा है, मंडी में क्या लोग चाह रहे हैं? मंडी में तो आपको मैंने बताया, किसान तो ये चाह रहा है कि मेरी फसल बिके, मैं अपने घर जाऊं, अगर फसल नहीं बिकेगी तो सरकार से वो नाराज होगा, नाराज बिल्कुल होगा सरकार को। कैसे रहा 10 साल जैसे बीजेपी की सरकार यहाँ है, बाबूजी 10 साल से यहाँ पर सरकार है बीजेपी की, कैसा काम रहा उनका? कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं रहा, बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं रहा, बिल्कुल जीरो। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? बीजेपी वाले तो कहते हैं बहुत काम कराया है भाई साहब, सिवाय झूठ के, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के, कुछ नहीं इनके पास। अच्छा। सिर्फ झूठ बोलते हैं, राज कर रहे हैं, पब्लिक को बका रहे, राज कर रहे, कोई विकास नहीं लाडवे में, कहीं एक भी ईंट लगी हो आज तक, कुछ भी हो। तो विधायक तो यहाँ कांग्रेस के थे ना, विधायक सेंट्रल सरकार ने किया, विधायक क्या करेगा? अगर विधायक का काम कैसा रहा मेवा सिंह का? मेवा सिंह ने जो कुछ ना कुछ मिला ना, मेवा सिंह ने कुछ करा बेचारा, मेवा सिंह कहाँ कर पाए, मिला कुछ ग्रांट मिला। तो आप लोग कह रहे हैं कि जब विधायक जो है जिसकी सरकार ना हो वो बेचारा हो जाता है? बेचारा ही है जो, तो वो तो बेचारा ही होता है, और क्या है वो सर, विधायक की तो उसकी चलेगी जिसकी सरकार है, हरियाणा में या प्रेजेंटर में। मैं सपोज करो आप विधायक बन गए और आपकी सरकार नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ना कोई आपको पैसा मिलेगा, ना आप कुछ काम करवा सकेंगे, सिवाय उसको तो ये सोचेंगे इसको जितना तंग करेंगे उतनी इसकी बदनामी होगी। नायब सिंह सैनी कैसे? नायब सिंह सैनी कुछ भी नहीं है जी, सिर्फ झूठ है, घोषणाएं करा, कुछ भी नहीं करे इस आदमी ने, तो घोषणाएं भी ना सही नहीं करेगी, सही घोषणाएं करते नहीं यूरा, इसका ही बाईपास के ही निशानी ला दे झूठ ही, तो भी बने जाना यू, इस आदमी ने तो करे ही कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल नकम्मी सरकार है। इसमें किसान परेशान है, इसमें मजदूर परेशान है, इसमें गवर्नमेंट के मुलाजिम परेशान है, इसमें प्राइवेट बच्चे परेशान है, इसमें शिक्षा की नीति नहीं आ, और कोई आदमी किसी भी टाइप का इन्हें ना पिटे हो बता दो, कौन नहीं पिटा? सरपंच जी ना पिटे, बच्चे ना पिटे, और जी वर्कर ही ना पिटे, मुलाजिम गवर्नमेंट गए, और जी कौन, हर आदमी पिटा, हर आदमी के धोखा करा। दो बार से जीत कैसे रही थी बीजेपी? बीजेपी तो जब तक लोगों ने समझ नहीं आई थी, क्या नहीं आया इसके बकावे में, झूठ बोला था, आ जाते नहीं नेता बका जाते बहकावे में, एक बार आएगा दो बार कैसे आ जाएगा? दो बार सरकार बन गई हरियाणा में, तो हरियाणा में दो बार कोई नहीं बनी, हरियाणा में तक बनाई, पहले बनी है जोड़ तोड़ की बनाई, बनी फिर 19 बनी, 19 में कहां बनी भाई साहब, कैसे बन गई? तो जोड़ तोड़ की बनाई, जोड़ तोड़ की बनाई, जोड़ तोड़ की बनाई, कोई इस बार क्या लगा, जोड़ी थोड़ी थी इनकी, इस बार क्या लगा, इस बार ये कुछ भी नहीं है इनके, 20 एमएलए भी नहीं है, 20 एमएलए बिल्कुल नहीं है, सबको ऐसे लगता है आप लोग, ये देखो ना आप लोग कितने खुश हैं, कितने गेहूं का क्या जीरिया क्या हो रहा भाई साहब, आप 8 तारीख की गिनती को देखना, अगर ये दान नहीं भी किया ना
तो नतीजे इतने अचंभा वाले होंगे, जिन लोगों की धान के ऊपर से अब ट्रैक्टर गुजर रहे पड़े हैं उनके दिलों पे क्या गुजर रहा है। ये धान के ऊपर से ट्रैक्टर नहीं जा रहा, ये उस किसान की छाती के ऊपर से ट्रैक्टर जा रहा, ठीक है। और सिर्फ दो दिन है इनके पास, वरना आठ को आप भी हैं, मैं भी हूँ, आपको आप लोग क्या कह रहे हो कि सिर्फ धान की वजह से नाराजगी है? पहले क्या आप लोग बीजेपी को वोट देते रहे, ऐसा है? पिछले साल हमने बीजेपी को वोट दी थी, हाँ। मेरा हल्का इंद्री पड़ता है, यहाँ से मेरा गांव 10 किलोमीटर है, वहाँ से मेरे गांव से इंद्री 14 किलोमीटर है, ठीक है। और अब की बार तो परेशानी जो सबसे बड़ी आई किसानों वाली आ रही, और केंद्र सरकार इसको एक मिनट में हल कर सकती है, एक मिनट भी नहीं लगेगा। जो जैसे और राज्यों में धान खरीद रहे हैं, मध्य प्रदेश में, उनमें उनसे खरीद दे, ये सरकार इसको ऐसे खरीदती है जैसे एक क्विंटल पे 67 किलो चावल देना। क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर है जी, ईश्वर। क्या करते हैं? मैं किसान हूँ जी, जीत धान पड़ा मेरा। कहाँ से हैं? मैं ये गोविंदगढ़ नवा गाँव, यहीं से पास ही है, लाडवा में ही पड़ता है, लाडवा में पड़ता है, 5 किलोमीटर है यहाँ से। क्या माहौल दिख रहा है इस बार? माहौल क्या? बस माहौल तो जैसा जीरी ना देख कर तो बहुत बुरा ही हाल है। यह 23 तारीख की जीरी कटी है, 24 की, अरे बाप देख लो 5 तारीख की, ये थोड़ी देर उसका कोई समाधान नहीं होया। ये बताओ फिर समाधान ही बाप ना नजर ही रहा। चुनाव में क्या कर रहे हैं आप लोग? चुनाव में मेरे घर की अपनी 10 वोटा में तो एक नहीं देने का, ना किसको नहीं देंगे, बीजेपी वालों को, हाँ बिल्कुल नहीं देने का। इस बार नहीं दे रहे कि आप कभी नहीं दे रहे? नहीं, बस पिछली बार तो दी थी, पिछली बार बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी थी, हाँ पिछली बार दी। पिछली बार क्या देख कर दिया था? पिछली बार मोदी देख कर दी थी, मोदी अच्छा बढ़िया आदमी है, मोदी देख कर, हाँ मोदी देखा था बस, इनकी बार नहीं, मोदी भी तो मोदी नहीं, वहाँ भी अपना कर ही रहा है कुछ, फिर मोदी क्या करेगा इसमें, ये भी देख ले तो 24 तारीख से लेकर अब तक ये बराज नहीं करे, बस घरों से 3 दिन मंडियों में बैठ जाना। कैसे लगते हैं मोदी? मोदी तो अच्छा, मोदी अच्छा सी है, मैं कोई बात नहीं है, बाकी ये तो अग्गा फिर तो आपने देख लो भी हाथ में तो उसके पावर पूरी है। मोदी से नाराजगी नहीं, यहाँ बिक नहीं रहा इस बात से नाराजगी है। कैसे लगते हैं मोदी आपको? मोदी बहुत अच्छे नेता, मोदी यहाँ पर हरियाणा में बहुत बढ़िया, हरियाणा में भी ठीक है। हरियाणा में कौन से लीडर की बात, नाराजगी बात हो रही है ना यहाँ पर हरियाणा बीजेपी से? देखो हैं आप नाराज बीजेपी से? देखो हर चीज अलग अलग देखी जाती है, नाराजगी की जगह पे नाराजगी भी जाहिर करेंगे। अब कोई क्या कर सकता है इसमें, पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी सरकार को चेंज करनी है। अब मिलर तो जब पॉलिसी चेंज होगी जब ही काम करेंगे ना, अब 10 साल इसी पॉलिसी पे काम कर रहे थे मिलर, अब की बार क्या हुआ जो नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे इस पे? अब ये तो उनको ही पता भी क्यों, उनको क्या दिक्कत हुई इसमें, 10 साल से एक पॉलिसी पे काम करा चावल CMR की, एक क्विंटल धान पे मिलर्स को 67 किलो चावल देने होते हैं सरकार को, और अब की बार जैसे है ना बरसातों की वजह से धान खराब हुआ, डैमेज भी आ रहा है, वो कह रही जिसको कम करो, आप खुद कुटाई करके देखो इसकी धान की, एक क्विंटल धान लो उसकी कुटाई करके देखो क्या इसमें से 67 क्विंटल चावल निकल रहा, मिलर का कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ जी, चावल में से 63-64 किलो की यील्ड आती है और सरकार 67 किलो लेती है, तो ये 2-3 किलो का जो डिफरेंस है ना, इसको सेलर वाले कहाँ से भरपाई करेंगे, कर ही सकते, इसी को लेकर बात फंस गई है, इसीलिए फंस रही है। अब सेलर वालों को चुनाव चल रहा है तो नेता लोग आए नहीं वोट मांगने आप लोगों से? पिछले नायब सिंह सैनी आए थे जी, क्या हुआ रात को 11 बजे, 11:30 बजे मंडी में, मैं उन्हीं के पास था, मैंने उनके सामने भी यही मुद्दा जोर शोर से रखा, वो बोले भाई सरकार खरीद रही है, मगर जी आपकी इंस्पेक्टर खरीदने के लिए आते हैं, 17 मोक्सर का लेते हैं, लेकिन कोई लोग सुखा के लिए आए तो 17 मोक्सर आ जाता, वरना 17 आना संभव है। ठीक, मंडी के अंदर आप मेरे साथ चलो, आसपास सारा देखो, 19 मोक्सर का धान आ रहा तकरीबन, ठीक है। अब उसको ना तो यहाँ सुखा सकते, ना उसको लगा सकते, अब किसान कहाँ ले जाए उसको, आड़ती ये कहाँ ले जाए उसको, बताओ इसका कोई रास्ता? उन्होंने कहा कि भाई ये तो सारा काम चुनाव के बाद होगा, चुनाव के बाद होगा सीएम साहब, तो चुनाव का आप लोग इंतजार करेंगे चुनाव बाद का? तो सुनो जी, किसान कहाँ जाएगा, जब कोई बात, बहुत सारे छोटे किसान हैं जिनके पास अपना जगह नहीं है घर पे डालने के लिए, बड़ा किसान तो अपना पास डाल लेगा, उसके पास गाँव में गैरेज वगैरह है उसमें रख लेगा 1-2 दिन, छोटा कहाँ लीजिएगा, उसको तो किराए की ट्रैली में लेके आना, किराए की ट्रैली में जो लेके आएगा
वो किराए वाला कहा भाई चल जल्दी जल्दी इसको खाली करा, मैंने तो दूसरे की भरनी, ऐसे ही होता है। फंसता किसान है, फंसता किसान है, फंसता किसान है, बड़ा किसान है वो तो दो दिन अपनी ट्रॉली में रोक लेगा, उनकी तो चलो अपनी ट्रॉली होगी, जो किराए पे लाए होंगे वो क्या करें बेचारे, वो क्या करेंगे बताओ, ये जो दो तीन किले वाले दो तीन एकड़ के किसान है ये क्या करेंगे बेचारे, रो रहे बैठे। आप लोग खेती किसान से जुड़े हुए सब लोग आड़ती है कि किसान है? मुनीम है जी। मुनीम क्या काम होता है मुनीम जी का? मुनीम का धक्के खाने काम हो जी, और क्या होता है? रुपए पैसे के हिसाब किताब, हाँ रुपए पैसा के माल भी बेचना जी, परचेजर बना रहने वाले हैं मेरा चलोंदी को, लाडवा का है क्या माहौल है लाडवा में जाने तो? वो सो नहीं पूछो मेरे तो जीरे के बारे में बता दो, अभी कुछ दो चुनाव के बारे में बताइए क्या माहौल है, क्या माहौल है? बस ठीक है जी, चुनाव का माहौल तो मानने वालों का दिखा मना तो ठीक है, मनोदय में मारने वालों को ठीक लगा जा रही थी, नायब सैनी का, नायब सैनी का, नायब सैनी का ठीक लगे। हाँ जी हाँ, मैं तो उसका लग रहा है शेर सिंह बड़स्यामी का, यहाँ शेर सिंह बड़स्यामी लड़ रहा है, निर्दलीय क्यों ही नेलो का लड़ रहा, हाँ चश्मा का निशान है और अच्छा नेता है सबसे, ऐसा नेता ही नहीं है कोई भी, नायब सैनी, नायब सैनी का तो हमने पता नहीं, हम तो शेर सिंह बड़स्यामी ने जाना, आप गाँव के हैं? गाँव के नहीं, हम तो लाडवे के हैं, वो बड़स्यामी का है, वो है नेता, सबसे बढ़िया नेता है काम कराने में, नेता बढ़िया कैसे होता है, नेता बढ़िया जो हम गए उसके पास, हाँ। कोई काम कराना हो, कोई फोन कराना हो, कहीं साथ ही करा, और तो ये पूछ दे भी नहीं कोई भी, वो है नेता। तो आपका क्या नाम है? आप बताओ ना क्यों फंसा है मामला, क्यों नहीं हो रहे इनके काम बढ़ रहा है? ये काम इसलिए नहीं बन रहा, इलेक्शन नजदीक आ गया, इलेक्शन की वजह से, हाँ और जो इलेक्शन सीजन से पहले होता तब भी ये काम चल जाता, और ये सीजन के बाद होता है, इसलिए कोई बंदा नहीं सुनने वाला, कोई अफसर नहीं है ना कोई मंत्री मिनिस्टर इस टाइम, कौन करेगा इसका? ये भी एक मामला फंस गया है ना मंत्री मिनिस्टर, नहीं बिक्री जिमीदारों की परेशान हो रही, जिमीदार सारे जीरी नहीं बिक्री जी, ना तो डीसी के हाथ में पावर, ना एसपी के हाथ में, ना खजाने किसी के ऊपर वालों के, वहाँ तो नुकसान किसका होगा? मारा भी हो रहा कच्ची वालों का और जमींदार का भी चलेगा, और चुनाव में किसका नुकसान होगा है जी? चुनाव में पब्लिक बताएगी जी, जो भी है पब्लिक ने देखना, वो तो ये नुकसान किसका होगा जिस टाइम, इस टाइम जो मौजूद है ना सरकार, इसको नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, इतना नुकसान किसान को रहनी, भाई साहब एक वोट नहीं पड़ रही किसान की, इन बार बीजेपी के खिलाफ नहीं हुआ इलेक्शन से पहले, अरुंधानिया हर रोज लोग बीजेपी से दूर होते जा रहे, सिर्फ धान की वजह से, हर रोज देखो जी इसका माल नहीं है ना कोई, इस टाइम दान नहीं बिकेगा तो नाराज हो गई हो, क्यों वोट देगा इनको, गांव की वोट तो खत्म है, तो ये मंडी का जी सारे, फिर बता दो तीन दिन बाद फैसला होगा इस बात का, या जो साझेदार है नायब सैनी ने बदनाम करने की, उठाने रैली में वहाँ सारे सेल रहेंगे, अध्यक्ष ने लेगा बटले का गया, हाँ वहाँ रैली में बटले करे सारे, भाई तुम दो तीन दिन रौला रब्दा करो, और ये बीजेपी सरकार फैल होगी, जिमीदार तंग होंगे, वोट कांग्रेस ने देंगे। आप क्या करते हैं? खेती करूं जी। किसान हैं आप? हाँ। सैनी साहब आज। सैनी साहब है। ये पकड़े हैं आप फसल। कितना आप सामान लेके आए? कितनी फसल लेके आए? कितनी फसल लेके आए? पूरी लेके आए 47 नंबर पर। बिकी आपकी? हाँ जी बिकी है, बिक जाएगी, बिक जाएगी, सूखी होगी आज, बिक जाएगी कल, सर हो कल बिक जाएगी, जो नहीं बिक रहा है, जो मामला फंस गया है, पूरे हुड्डा साहब की साजिश है। हाँ साजिश है जी, नेट बाहरी है, फोन में नहीं आपने देखी, फोन मारी मैंने अपने गाँव में देखी थी सवेरे, क्या फोन में आया है? वो कह रहा था जी जरूर नहीं भैया, हुड्डा साहब की सियासत है, सरदार जी कह रहे थे, बोल रहा था फोन में भैया हुड्डा साहब की सियासत है, मैं अमरेली थी ना कहाँ थी, वहाँ सारे सेल रहेंगे जितने थे ना प्रधान जिलों के, वहाँ वहाँ बटले कर रखे थे भैया, दो तीन दिन तम बादल जाकर रखो, अरे ने बीजेपी से वोटा कटांगी, पता चल गया आप लोगों को? हाँ पता चल गया जी सर, मैं पता चल गया, तो चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बीजेपी जीतता की जीतता का नहीं जीतता, मैं जीतता देख लिए, देख लिए क्या तो जीतता का ना, एक मिनट मैं मेरी सुन ले पहला, ओ जीतता का ने जो पांच जिले है ना, ठहरो भाई, ने जो पांच जिले है ना,
इनका उद्धार हो जाएगा। उड़ाने पर ही पर सारी नौकरियां, सारे मलाईदार, पांच साल एमपी रहा, सारे मलाईदार मेरे साथ चलो जटलाड़ा, सड़क में टेढ़े खड्डे, सड़क के अंदर सारे मलाईदार मैक में, सारे मलाईदार मैक में तुम औरत तक ना बचा रखे, सारे चंडीगढ़ में बैठे। अरे रुकिए, तो जैसे वो कह रहे हैं, मारा भी जी करता हूँ, तो जैसे ये कह रहे हैं कि पांच साल वो सांसद रहे तब क्यों नहीं किया कुछ, कौन करे जो कुछ करे, जितना उनका कोटा था उतना करे, क्या नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं करा, नहीं सड़क मार्च में खड्डे बड़े, पांच साल लगा चले गए एमपी, आप जाकर देख लो, अगर झूठ हो ना झूठ हो जो मर्जी चट्टी, कौन जीतेगा फिर, कांग्रेस बनेगी, पलटाओ मांग रही पब्लिक, बदलाव चाहिए, पलटाओ की जरूरत नहीं है जी, हमने पलटाओ की जरूरत नहीं है, जिम्मेदार खूंखा 2000 रुपए की लाकर हमें खाना दे दिए, हाँ लाडली योजना के पैसे दे दिए, सारी चीज दे रहा, पेंशन बढ़ा दी, सब काम अच्छा जी, सुन लो, पांच साल एमपी रहे हमारे यहाँ से, किसी गांव में कोई कह दो इसने 10 रुपए का काम करे हो, कहीं भी मान लो कहीं मेरा दो हल्का बड़ा भाई, वहां कोई पैसे दिए ना, तुम कितना बन जाएगा नहीं बताइयो, आप ही यू कह, अरे रुको रुको, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, आराम से इनकी बात सुनो जी, तो बना लिए तरह रोक दे, आप कह रहे पांच साल वो एमपी रहे, हाँ जी, कोई कोई विकास नहीं करे आप कहीं भी, इस भी एरिया में, अच्छा तो अब अरे अरे रुक जाओ, तो चुनाव चुनाव तो विधानसभा का है ना, पहले एमपी भी तो यहीं से था, ये इसी हल्के से था, जिससे मान ले अब इलेक्शन लड़ रहे इस बात का एमएलए का, तो पर तुम बताओ ना कहीं कभी कहीं काम करे हो क्या, बीजेपी के आराम लग रहा, मैं नाथीराम बोल रहा जी, यहाँ जिम्मेदार हूँ जी, क्या नाम है आपका, नाथीराम जी, नाथूराम, अरे इनको चुप करा दो भैया, बहुत शोर मचा रहे हैं मंडी में, ऐसा जी जिम्मेदार बहुत परेशान रहे, एक एक हफ्ते 10 दिन दाने पड़े लोगों के, ये भी थोड़ी कोई हल नहीं हुआ, और जब ये मुख्यमंत्री था उस टाइम भी मान लेना सोचना चाहिए था जिम्मेदारों का, 25 तारीख से पहले या 25 तारीख ने गवर्नमेंट की आनी चाहिए थी खरीद, तो ये कितने दिन लगे दाने बेकार में नींगा तींगा रुदे फिर रहे, कोई भी कहेगी नहीं, आप बता क्या करें, जैसे वो बाबूजी कह रहे थे कि सब साजिश है हुड्डा साहब, कैसा है क्या कि सारे सेलरों से कह दिया मत खरीदो, नहीं ऐसा जी, पिछले साल तो कोई मतबल नहीं है, सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी बीजेपी वालों ने देखना, अब सरकार कोई उड्डा की थोड़ी है, सरकार तो बीजेपी की है, सरकार के सीधे सेलर नहीं है, मैं जो बड़े अध्यक्ष है वो उड्डा ने काबू कर लिया, वो तो उड्डा चाहे कुछ भी साजिश कर रहा, वो तो नायब सिंह सैनी ना देखना चाहिए भाई, माया क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, अगले वो एक दूसरा आदमी चले भाई, तो ये है मंडी का हाल, और मंडी में अपने मुद्दे हैं भाई कि यहाँ पर धान आ रहा है, कुछ मसला हो गया है सरकार और सरकार के बीच, तो धान सब यहाँ अटका हुआ है, और चुनाव में ये मुद्दा बन रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, ये बुजुर्ग मिले कहाँ से आप लोग, बिहार से, बिहार से, यहाँ बिहार से, हाँ हम एक महीने पहले बंदे लेके आया 30 बंदे यहाँ, एक महीने से कुछ भी काम नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा सरकार, बस माल माली नहीं ले रहा सरकार, जीरी आ रही है हम लोग उसको देख रहे हैं, एक महीने से 30 बंदे हैं, रोज के बंदे को 200 रुपये खर्च है, 100 रुपये का रोटी खावा, 50 का उसका मतलब खर्च हुआ, 200 रुपये का 30 बंदे हैं, रोज का 6000 रुपये पड़ रहा है खर्च, एक महीने हो गए, अरे वोट तो तुम्हारा बिहार से लगा है जी, लेवर पैसे लेगा बिहार में होगी जी, लेकिन यहाँ तो मर रहे हैं, बिहार से यहाँ क्यों आना, जाना 60,000 मजदूर लेगा, वहाँ काम नहीं है, काम नहीं है वहाँ, मंडी नहीं है, सेलर नहीं है, इसलिए वहाँ काम कम पड़ता है, सेलर मंडी बिहार में बहुत कम है, यहाँ पर इसलिए लेबर भाग के आता है, यहाँ पर यहाँ लोग भाग के पंजाब जाता है, बिहार में इसलिए आते हैं, बंदे यहाँ क्या करेंगे, बैठ के बंदे भाग रहे हैं,
यहाँ पे एक महीने से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, बंदे भाग रहे हैं घर। फिर दो सीजन चलेगी 10 दिन में, फिर कहेंगे काम खत्म हो गया 10 दिन में। भाई सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, और जगह चलेंगे, लोगों से बात करेंगे चुनाव के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में। आप देखते रहिए टीवी 9। शुक्रिया।